बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवधेश भाई, आनंदी जी, हेल्थ शाला से जुड़े सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और ये बहुत सौभाग्य की बात है, सम्मान की बात है कि आज अवसर मिला इस स्क्रीन रूपी मंच को आपके साथ साझा करने का। ये बहुत सम्मान की बात है। और जो मूवमेंट डॉक्टर अवधेश आपने जो चलाया है दुनिया को, मानव जाति को हील करने का, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस मूवमेंट को और गति मिले, इस मूवमेंट को और बल मिले, और हमारे सभी दर्शक, आज के दर्शक और आने वाले भविष्य के दर्शक, सभी अपना योगदान, अपने कमेंट्स, अपने सुझाव, अपने पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ हमें देते रहें, ये हमें लाभ देगा। इसके साथ मैं आपको वैसे आचार्य पांडे भी बुलाऊंगा बीच बीच में, हाँ, क्योंकि आप गुरु भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं, आप आचार्य भी हैं, तो मैं आपको अलग अलग ढंग से संबोधित करता रहूंगा। क्योंकि विषय डिसीज से जुड़ा है, हेल्थ से जुड़ा है, वेलबींग से जुड़ा है, तो हिंदी का शब्द आता है इसमें उपचार। हम सब जीवन में उपचार चाहते हैं, अपने कष्ट का निवारण चाहते हैं, अपनी डिसीज का उपचार करना चाहते हैं। आज इस उपचार के लिए मैं आपको चार सूत्र आपके साथ साझा करूंगा, और ये गारंटी है कि अगर इन चार सूत्रों को गहरे में समझ के आपने अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना शुरू किया, तो ये आपके हेल्थ वेलबींग को टोटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और डिसीज के आने से पहले ही डिसीज को रोक दिया जाएगा। तो आज हम इन चार सूत्रों के विषय में बात करने वाले हैं। इनको हम चार आर की तरह भी देख सकते हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। उपचार तक पहुंचने के लिए चार आर पे काम करना, उपचार में भी आर है, तो उपचार वाले आर तक आने के लिए हमें चार आर पे काम करना होगा। पहला आहार, दूसरा आचार, तीसरा विचार, और चौथा व्यवहार। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आहार, आचार, विचार, व्यवहार। अगर इन चार लेवल्स पे हम काम करें तो किसी भी चीज का उपचार संभव है, बिना केमिकल्स के, बिना दवा के, किसी भी चीज का उपचार संभव है। इन चार सूत्रों में से सबसे पहले हम पहला सूत्र पकड़ते हैं। विल ट्राई कि इस शो में हम जितना मैक्सिमम कवर कर सकें। पहला सूत्र जिस पे डॉक्टर अवधेश पांडे की बहुत पकड़ है, उन्होंने बहुत काम किया, आहार का सूत्र। पूरा एक डैप प्रोटोकॉल है हमारे सामने, हम सब उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। आहार में, जैसा डॉक्टर पांडे अक्सर बोलते हैं, कि आहार सिर्फ वह नहीं है जो आप मुख से ग्रहण करते हैं, जो आप खा के कंज्यूम करते हैं, इसमें और बहुत सारी चीजें शामिल है। आज हम थोड़ा सा इसको खोलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये मैं हजारों व्यक्तियों से हम आजकल मिलते हैं, और ये मैं ऑलमोस्ट हर एक में देखता हूं कि हमारा फोकस, जब हम आहार या फूड की बात करते हैं, हमारा फोकस व्हाट शुड आई ईट पे जाता है, मैं क्या खाऊं, हम वहां तक सीमित कर देते हैं अपने आप को। तो पहले मैं मुख से खाने वाले आहार की थोड़ी सी बात करता हूं। बहुत सारे बार, एज आई सेड, हम बात करते हैं क्या खाया जाए, मगर इस सबसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है किस भाव से और किस अवस्था में खाया जाए। आई हैव यूज टू वर्ड्स हियर। नंबर वन, किस भाव से खाया जाए। नंबर टू, किस अवस्था में खाया जाए। दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। टू गिव यू लॉजिक हेयर, अगर आप डैप प्रोटोकॉल या डॉक्टर पांडे के बहुत सारे वीडियोस देखेंगे जिसमें आहार पे विशेषता बात हुई है, आप देखेंगे कि आहार में, डैप प्रोटोकॉल में, कोई भी प्रोसेस्ड फूड आइटम नहीं है। क्यों? क्या इसका रीजन सिर्फ ये है कि प्रोसेस्ड फूड में बहुत सारे केमिकल इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, जब उनको पैकेज किया जाता है तो उसमें पता नहीं कितनी तरह की अलग अलग गैसेस डाल दी जाती हैं ताकि वो पैकेट सदियों तक खाने योग्य रहे? क्या सिर्फ इस वजह से डैप प्रोटोकॉल में
वी आर अगेंस्ट प्रोसेस्ड फूड, या इसके पीछे कोई और विषय भी है? मेरे देखे इसके पीछे ये दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, जैसा मैंने बोला, भाव, और दूसरा अवस्था। थोड़ी सी बात करते हैं इस बारे में आगे बढ़ने से पहले। ये जो प्रोसेस्ड फूड है, पहला, इससे पहले एक नियम है, आहार कभी भी व्यापार का विषय नहीं है। ये भी एक सूत्र है, आप नोट कर सकते हैं, आहार कभी भी व्यापार का विषय नहीं है। जब भी आहार व्यापार का विषय बनेगा वो फलित नहीं होगा। फलित नहीं होगा मीनिंग यू विल नॉट गेट द ड्यू नरिशमेंट ऑफ दैट आहार। अब प्रोसेस फूड के पैकेट में तो हजार चीजें लिखी रहती हैं कि इसमें ये प्रोटीन है, इसमें ये न्यूट्रिशनल वैल्यू है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट वाई स्टिल वी डोंट रिकमेंड दैट, और वाई वी आर ऑलमोस्ट अगेंस्ट दैट रीजन? जिन फैक्ट्रियों में ये आहार बनता है, मशीनों से बनता है, मशीन का क्या भाव होगा? मैकेनिकल। जो लोग इस पूरी फूड चेन से जुड़े होते हैं, जो इन फैक्ट्रियों में काम कर रहे होते हैं, जो इन फैक्ट्रियों के ओनर होते हैं, वहां लालच है, वहां जेलेसी है, वहां कोई एम्प्लॉय काम नहीं करना चाहता, वो सब जबरदस्ती काम कर रहे हैं, वहां ईर्ष्या है, और ये सारे तत्व इस पैकेज फूड के अंदर जा रहे हैं। भारत में हम हमेशा से मानते हैं कि आप जो खाओगे आप वो बन जाओगे। इसका एक बहुत फनी एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ वर्षों पहले एक बच्चा था हमारे यहाँ, उसकी माँ उस बच्चे को पता नहीं क्यों किसी कारणवश डॉक्टर साहब बहुत आलू खिलाया करती थी, और मैं जोकवश बोला करता था इतना आलू मत खाओ तुम आलू जैसे हो जाओगे। आलू मतलब जैसा हम फूलने लग जाते हैं, हमारी शेप्स बिगड़ने लगती हैं, वी स्टार्ट टू एक्युमुलेट एडिशनल फैट एटसेट्रा। और एक्चुअली ऐसा होने लगा, 3-4 साल में वो बच्चा बहुत ही अलग अलग जगह से फूलने लगा, क्योंकि ये बात, कहावत भारत में बहुत पुरानी है, आप जो खाओगे आप वैसा बन जाओगे। बहुत मेहनत करने के बाद हमने उसके फूड में और चीजें इंट्रोड्यूस करना शुरू की, उसकी हैबिट तोड़ी और उसको होलिस्टिक फूड पे लाया। नाउ ही इज अ वेल शेप्ड यंग मैन, बॉडी बिल्डर काइंड्स। बहरहाल, तो जब ये प्रोसेस फूड फैक्ट्री में मशीनों से बन रहा है और जब आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये मशीनी भाव, ये ईर्ष्या का भाव, ये लालच का भाव, मैं इससे ज्यादा प्रॉफिट कमा लूं, वही उद्देश्य था इस आहार का, ये सब आपके भीतर जा रहे हैं, तो ये नरिश कैसे करेगा आपको? ये तो आपको मशीन बना देगा। शायद यही वजह है आजकल हम सब मशीन की तरह बनते जा रहे हैं। तो ये एक मुख्य कारण जिस वजह से प्रोसेस्ड फूड के बहुत अगेंस्ट होते हैं हम लोग, जिस भाव से वो बनाया जाता है, क्योंकि हम भाव की बात कर रहे हैं, और मैंने बोला कि आहार में भाव का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अब प्रश्न उठता है कि रोजमर्रा के जीवन में जब आप खाना खाते हैं, नो मैटर व्हाट यू ईट, आई एम अज्यूमिंग वी ईट बैलेंस्ड डाइट, बट आप किस भाव से उस खाने को ग्रहण कर रहे हैं? अगर आप देखें आमतौर पर, माय बैकग्राउंड इज एक्स कॉर्पोरेट, हमारे यहाँ डिनर मीटिंग्स हुआ करती थी जिनके ऊपर पैसों की, इन्वेस्टमेंट्स की चर्चा हुआ करती थी। तो क्या भाव आ रहा खाने के अंदर? पैसे का, प्रॉफिट का, किस तरह से मैं इससे कमा लूं और इसका नुकसान कर दूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं आजकल घरों में देखता हूँ, टीवी ऑन होता है, न्यूज ऑन होती है, और वहां डिनर टेबल पे हम सब बैठ के खाना खा रहे होते हैं। ये कौन सा भाव हमारे भीतर जा रहा है जिस भाव से हम ये खाना खा रहे हैं? हम आपस में बातचीत करते करते भाव से खाना खाते हैं। एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, इस पे आपको विचार करना चाहिए। मंदिर जब जाते हैं आप, ये जिस भी पूजा के स्थल पे जाते हैं, आप परमात्मा को भोग लगाते हैं, तो वहां टीवी क्यों नहीं चल रहा होता? उस परमात्मा को भोग लगाते समय न्यूज क्यों नहीं चल रही होती? उस परमात्मा को भोग लगाते हुए बॉलीवुड के गाने क्यों नहीं चल रहे होते? या उस परमात्मा को भोग लगाते हुए आप बातचीत क्यों नहीं कर रहे होते आपस में? Why? Because at that time you know the sacredness of the process. ये भोग आप परमात्मा को लगा रहे हैं, ये सेक्रेड काम हो रहा है, इस काम को आप दूषित नहीं करना चाहते, किसी भी और भाव को इंटीग्रेट करके आप इसको दूषित नहीं करना चाहते। एट बेस्ट उस समय आप पूजा विधि का, मंत्र का उच्चारण करते हो,
ताकि उस मंत्र की शक्ति से जिस भी देव या देवी को आप भोग लगा रहे हो वो उसको ग्रहण करें। उस मंत्र से आप इस अन्न को, इस आहार को शुद्ध कर रहे हो। उस मंत्र से अगर इस आहार में कुछ भी विशुद्धि है, यू आर क्लीनिंग दैट, करेक्ट? नाउ द क्वेश्चन इज, जब आप इस मंदिर को खाना खिला रहे हैं, जब आप अपने भीतर बैठे ईश्वर को भोग लगा रहे हैं अपने आहार से, तो अवस्था क्यों बदल गई? तो विचार क्यों बदल गए? तो क्यों टीवी चल रहा है? तो क्यों गपशप करते हुए हम आहार ग्रहण कर रहे हैं? क्योंकि अगर उस आहार में हमने त्रुटि डाल दी, हमने उसको दूषित कर दिया, पॉइजनस कर दिया विद द टीवी न्यूज, विद अननेसेसरी डिस्कशन, तो उसका इंपैक्ट वैसे ही होने वाला है। मैंने जैसा पहले बोला, जिस भाव से वो खाना ग्रहण किया जा रहा है उसी भाव से वो आपको इफेक्ट करने वाला है। याद रखो आप लोग, और याद करना पुराना जमाना अपना, अपने दादा दादी का जमाना, आपको किचन में जाना अलाउड नहीं होता था बिना हाथ मुंह धोए, चप्पल पहन के आपको अलाउड नहीं होता था, क्योंकि दिस वॉज अ सेक्रेट स्पेस ऑफ आहार, वो शुद्ध था, हम उसको शुद्ध साफ रखना चाहते थे। बिना हाथ धोए मेरी दादी मुझे कभी किचन में नहीं एंटर करने देना चाहती थी, बिना नहाए वो खुद किचन में नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि उनको पता था इस विज्ञान के बारे में, और ये विज्ञान है कि अगर मैं इम्प्योर भाव से आहार को टच करूंगा, आहार को बनाऊंगा, आहार को परोसूंगा या आहार को ग्रहण करूंगा, तो वो मेरे लिए पॉइजनस बन जाएगा। इट विल नॉट बेनिफिट माई बॉडी, नो मैटर हाउ हेल्दी द फूड इज, इट विल नॉट बेनिफिट माई बॉडी। दिस इज वॉट वी नीड टू इम्प्लीमेंट। मगर आज हमारा फोकस सिर्फ ये है कि क्या खाया जाए। आज मैं ये भी देखता हूँ, बहुत अद्भुत सी बात, कि इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे लोग खाने की प्लेट लाते हैं और फोटो खींच के डालते हैं। दिस इज अ वेरी सेक्रेट प्रोसेस, इट इज नॉट टू बी डिस्प्लेड टू द वर्ल्ड। ये आपका और आपके आहार के बीच के एक रिश्ते का विषय है। कुछ समय पहले आनंदी शो में है, उन्होंने एक बहुत सुंदर मंत्र की रचना की, कंपोज किया, अन्नम पर ब्रह्मम स्वरूपम। अन्न तो ब्रह्म का स्वरूप है, और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप अन्न के इस क्वालिटी को समझ पाए, अगर आप आहार को ब्रह्म के साथ जोड़ के ग्रहण कर पाए, अगर आप आहार से भाव को जोड़ पाए और एक बहुत प्योर भाव से आहार को ग्रहण करें, हमने कहानी सुनी ना, शिव मंथन हुआ और शिव ने हलाहल यानी जहर पी लिया, बट शिव को कुछ हुआ नहीं। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाट वाज द साइंस बिहाइंड इट? और वो साइंस सिर्फ इतनी सी है कि शिव ने अपने भाव से, अपने पारमात्मिक भाव से, अपने प्योर भाव से उस विष को भी ग्रहण कर लिया और कुछ हुआ नहीं उनको। इसको कहने का ये भी भाव हुआ, शायद शायद आप किसी भी प्रकार का आहार लो, अगर भाव को आपने प्योर कर लिया और अपना भाव उस आहार के साथ ठीक कर लिया, तो वो आहार आपके लिए शुद्ध हो जाएगा, वो आपको सहायक बनेगा। नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर टेकिंग, कुछ उसमें ऑफ कोर्स नियम है, उस आहार के साथ वॉयलेंस ना जुड़ा हो, उस आहार के साथ ईर्ष्या ना जुड़ी हो, उस आहार के साथ लालच का भाव ना जुड़ा हो, उस आहार के साथ व्यापार का भाव ना जुड़ा हो। और अगर ऐसा आहार आप ग्रहण कर रहे हैं जिनके साथ ये भाव जुड़े हैं, तो किसी मंत्र के उच्चारण से, किसी भाव की शुद्धि से उस आहार को प्रे करके उसको शुद्ध कर लो, और बहुत शांतिपूर्वक साइलेंस में बिना बातचीत के उसको ग्रहण करो। भारतीय परंपरा में आहार को कभी भी पब्लिक स्पेसेस में ग्रहण नहीं किया जाता था, आहार को कभी भी बातचीत करके ग्रहण नहीं किया जाता था, आहार को कभी भी स्क्रीन्स के सामने ग्रहण नहीं किया जाता था, बिकॉज वो उतना सेक्रेड है, बिकॉज दैट इज वॉट इज मेकिंग यू। द सेम फूड कैन बिकम पॉइजन, और द सेम फूड कैन बिकम अमृत फॉर यू, लार्जली डिपेंड्स ऑन द भाव। क्योंकि बनाने वाले या प्रोड्यूस करने वाले के भाव पे आपका नियंत्रण नहीं है, बट ग्रहण करने वाले के भाव पे आपका पूरा नियंत्रण है। उसको शुद्ध करके ही आप पूरे फूड की क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, और इसके ऊपर साइंस के अनेकों एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। दिस इज जस्ट नॉट अ फिलोसफी आई एम शेयरिंग विद यू,
जापान में, इंडिया में, डॉक्टर जे सी बोस, द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, हैज डन इनॉर्मस एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस. बहुत सारे पशुओं के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया कि अगर उनके भीतर एक सर्टन भाव अवस्था क्रिएट की जाए और उनको वही चारा खिलाया जाए तो उनके दूध की क्वालिटी चेंज हो जाती है. या बहरहाल ये विषय बहुत लंबा है, इस पर हम बहुत बात कर सकते हैं, बट आई हैव ट्राइड टू गिव यू अ फ्यू इनसाइट्स ऑन दिस. एंड बिफोर आई एंड व्हाट आई वांट टू से ऑन दिस, आई विल शेयर अ स्मॉल थिंग विद यू. मैं ऑल्सो आजकल ये भी देखता हूँ कि हम अपने आहार के प्रति बहुत सेल्फिश हो गए हैं. वी डोंट वॉन्ट टू शेयर इट विद एनीबॉडी, अनफॉर्चुनेटली. ये एक बहुत भयंकर गलती की चाइना ने 1950 में. चाइना का फूड प्रोडक्शन और उनका पॉपुलेशन ग्रोथ मैच नहीं कर पा रहा था. 1950 में चाइना ने, माओस्ट ने एक डिक्टेट दिया कि सभी पक्षियों को मार दो क्योंकि ये पक्षी हमारा अन्न खा रहे हैं, ये अन्न सारा हमें चाहिए. छोटी सोच, लिमिटेड बुद्धि का नतीजा देखो. जैसे ही सारे पक्षियों को मारना शुरू किया, उस साल अकाल पड़ा और अगले 3 साल तक अकाल पड़ा चाइना में. फूड क्रॉप डिस्ट्रॉय होने लगी. क्यों? क्योंकि पक्षियों को मारते ही बहुत सारे इंसेक्ट्स आने लग गए, क्योंकि ये पक्षी इंसेक्ट्स खा जाते थे. और इंसेक्ट्स के आने के चलते द फूड क्रॉप्स गॉट डैमेज्ड. तो शायद पक्षी अपनी चहचहाट से इस फूड को ब्लेस कर रहे हैं. और इसका एक्सपेरिमेंट हमने साधु आश्रम में किया कुछ समय पहले. हमारे यहाँ कुछ आम के और अलग अलग फलों के पेड़ हैं, तो अमरूद के पेड़ हैं कुछ 6-7 वहां पे. हमने देखा कि अमरूद जब खिलने लगा, अमरूद का फल आने लगा, तो तोते आने लगे बहुत सारे अमरूद खाने के लिए. हमने ऑब्जर्व किया कुछ दिन उनको, और हमने देखा वो 6-7 प्लांट्स पे, पेड़ों पे आके अमरूद खा रहे हैं. आश्रम के लोगों को भी अमरूद चाहिए और तोतों को भी अमरूद. तोतों से एक्चुअली बात की. वी प्रेड टू द पैरट्स, वी टॉक टू द पैरट्स सेइंग दैट ये 3 पेड़ आपके और ये 3 पेड़ हमारे. इन 3 पेड़ से हम फल नहीं लेंगे, ये आपके पेड़ हैं, वी शेयर इट विद यू, क्योंकि इन पे आपका उतना ही अधिकार है जितना हमारा. और ये 3 पेड़ आश्रम के विजिटर्स और डिवोटीज के लिए. बिलीव यू मी, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स एक्चुअली पैरट्स स्टॉप्ड कमिंग टू आवर 3 ट्रीज. और एक और अद्भुत बात हुई डॉक्टर पांडे, उन दिनों जो हमने अपने लिए 3 पेड़ बचा के रखे थे, उनके फल पहले से ज्यादा मीठे होने लगे. तो मुझे ऐसा लगा पक्षियों ने आशीर्वाद दिया उन फलों को. आज भी जब आप आश्रम आएंगे, हम आपको उन पेड़ों के फल खिलाएंगे, वो अद्भुत मीठे हैं, क्योंकि हमने सीख लिया कि इस आहार पे, इस प्रकृति के सभी जीवों का उतना ही अधिकार है जितना हमारा. विद दैट आई विल एंड माय थॉट हियर.